अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज वगैरह आई हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आज कल से स्टार्ट हुए हुए हैं उसके इंटरव्यूज़। कल था वार्ड बॉय, वार्ड अटेंडेंट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए हैं। ये देखो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज टीचर बॉय और नैब कासिद के लिए इंटरव्यू के लिए। आप लोगों को बाकायदा कॉल आएगी, SMS आएगी। यहाँ पे देखें लिस्टें लगी हुई हैं, यहाँ पे लोग अपनी लिस्टों में अपने नाम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्टें लगी हुई हैं, वो स्ट्रेचर बॉय और नैब का सिर के लिए यहाँ पे ना लिस्टें वगैरह लगी हुई हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और इंटरव्यू के लिए देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये नीचे स्केल से शुरू हुई है, ये 1 स्केल ऐसा ऐसा, फिर 5 स्केल तक इन्होंने कॉल करनी है, फिर उसके बाद जो है जूनियर क्लर्क और क्लर्क। ये भाई इंटरव्यू देखे आए हैं जी। सर क्या हाल है आपका? आप बहुत जल्दी इंटरव्यू दिए हैं वैसे, तो क्या पूछा उन्होंने आपसे? ये पूछा क्या करते हैं इस वक्त, स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, नंबर कितने आए हैं, क्या कैटेगरी है? तो ये नहीं पूछा कि आप ये काम कर सकते हैं? नहीं ये नहीं पूछा। अच्छा बस इतने ही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा? बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या कर रहे हैं। वो जाते हैं अंदर, हम अंदर इंटर हो गया। वैसे तो मैंने ना जूनियर क्लर्क और क्लर्क के लिए अप्लाई किया हुआ है। इतनी ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई बताओ इंटरव्यूज़ कब हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि इंटरव्यू कैसे देंगे। आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं क्या क्या करना है। और जो ये जूनियर क्लर्क और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट के लिए जो ना अभी इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, वो बकायदा हमें कॉल आएगी। जो जो नंबर आप लोगों ने दिया हुआ उस नंबर पे आप लोगों को कॉल या SMS आएगा, वो भी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुए। अभी ये 5 स्केल तक के जो इंटरव्यूज़ स्टार्ट हुए हैं, इंटर होना है और यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जा रहे हैं। या ये देखिए सारी पब्लिक में जो बैठी हुई हो, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं। आपका हो गया भाई इंटरव्यू? हो गया इंटरव्यू? नहीं वो भाई अंदर गए, भाई अंदर गए। हाँ भाई, तो इनके जीजो कबाब भी है वो सामने है, तो ओपन इनको दिखाना है। अंदर जाए, अंदर इंटर होते सारे यहाँ पे बहुत हैवी किस्म का माहौल बना हुआ। देखते हैं इंटरव्यू कैसे ले रहे, बाकी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। हाँ जी शकील भाई, क्या बाकी आवाम ठंडा हार माहौल है। ये देखिए क्या करना है, टाइगर नंबर सीरियल नंबर वगैरह अपने यहाँ पे टोकन लेके आना, ये वाला टोकन लेके आए, और टोकन लेने के साथ ही यहाँ पे अटेंडेंस लगाई जाती है, उसके बाद वहाँ पे हमारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए बैच लगे हुए हैं, ये बैच 1, 2, 3 बैच लगे हुए हैं, ये लाइनें लगी होंगी, फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। कहाँ पे? A few moments later. Finally guys, इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी वे के साथ वो इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है एक स्केल है, एक स्केल का वो क्या पूछेंगे। मैंने वैसे ही ट्राई किया था, देखते हैं कि इंटरव्यू वगैरह एक्सपीरियंस के लिए चेक कर रहा था कि कैसे लेते हैं वो। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी डिग्री क्या है, मैंने कहा मैंने BSc की हुई है। पहले हैरान हो गए कि आप BSc की हुई है, तो आपने स्ट्रेचर बॉय में अप्लाई किया। मैं कहा आप लोगों को पता है कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना हमें स्ट्रेचर बॉय में भी करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, मैं कहा कराची है। कह रहा वेल एंड गुड, तो कहते हैं फिर आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे ही जूनियर क्लर्क ऑपरेटर के इंटरव्यू वगैरह ओपन होते हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं प्रॉपर कि वो मैंने कैसे इंटरव्यू दिया और क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा जैसे ही ओपन होते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह जूनियर क्लर्क असिस्टेंट के ना, तो वो मैंने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही ओपन होते हैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो गाइस ये ना मेरिट लिस्ट लगी हुई है, जो कल लोगों के वार्ड अटेंडेंट्स और वार्ड बॉय ने किया हुआ था, ठीक है। इंशाल्लाह डिटेल आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।